सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की हमारी रेसिपी होने वाली है एलोवेरा की शक्करपारे। तो सबसे पहले हम फ्रेश एलोवेरा ले लेते हैं, ये हमने घर पे ही लगाए हुए हैं। तो एलोवेरा को काट कर थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट उन्हें एक बर्तन के अंदर खड़े करके रख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो लाल कलर का कड़ा पानी होता है वो निकल जाएगा। इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप रखिए, उसके बाद इसे साफ पानी के अंदर धो लीजिए। तो अब बारी है एलोवेरा को काट कर इसके छिलके अलग करने की। तो इस तरह से आप इसके छिलके उतार लीजिए और उसे एक बर्तन के अंदर इकट्ठा कर लीजिए। दोस्तों, चक्कू से आप एलोवेरा का एक साइड का छिलका उतार दीजिए और बाकी जो हिस्सा है आप उसे एक चम्मच से निकाल लीजिए, क्योंकि चम्मच से ये आसानी से उतर जाता है, वरना इसे उतारने में काफ़ी दिक्कत होती है, ये हाथ से फिसलता रहता है। इस प्रकार से आप इसे निकाल लीजिए। तो अब ये एलोवेरा हमने अलग कर लिया है, अब इसके अंदर डालेंगे हम गुड़। आप वैसे चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ काफ़ी अच्छा रहता है शक्करपारे के लिए। तो गुड़ को आप चक्कू से बारीक बारीक काट कर एलोवेरा के अंदर ही मिक्स कर लें। आप मीठा कम या ज़्यादा रख सकते हैं, तो हम ये इसके अंदर मीठा थोड़ा कम ही रखेंगे, क्योंकि आजकल लोग मीठा कम ही खाते हैं, काफ़ी दिक्कतें हो जाती है इससे। तो मिक्सी के जार के अंदर गुड़ और एलोवेरा आप एक साथ डाल दीजिए और इसे मिक्सर कर लीजिए। मिक्स करते हुए आप इसके अंदर आधा गिलास पानी मिला सकते हैं, जिससे थोड़ा सा पतला हो जाएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ये हमने इसे मिक्सर कर लिया है और इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब बारी है हमारे नेक्स्ट स्टेप की। हम लेते हैं एक बड़ी कटोरी आटा, इसके अंदर एक होल बना लीजिए और आप ये जो मिक्सचर था हमारा गुड़ और एलोवेरा का, इसे अच्छी तरह से गूंथ लीजिए आटे को। ध्यान रहे आटा नरम नहीं होना चाहिए, आटा को आप जितना टाइट लगाएंगे हमारे शक्करपारे उतने ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। हमारा आटा तैयार हो गया है, इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में 2-3 हिस्सों में कर लीजिए, ताकि इसे बेलने में आसानी होगी। चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। आप इसे थोड़ा मोटा ही रखना, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। जितना आप इसे मोटा रखेंगे उतना ये सॉफ्ट होगा। ये हमने इसे बेल लिया है, अब इसे हम चक्कू से इसके पीस काट लेंगे। जैसे भी आप काटना चाहें, छोटे या बड़े, हम इसे थोड़े छोटे ही काटेंगे। जिस प्रकार से बर्फ़ी के पीस काटे जाते हैं उसी प्रकार से आप इसे काट लें। ये हमने इसके पीस बर्फ़ी के आकार के काट लीजिए। ध्यान रहे पीस का आकार ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसे थोड़ा सा मोटा रखना है, ताकि सेकने में भी आसानी होगी, आपका घी या ऑयल भी कम लगेगा। सबसे पहले
कढ़ाई के अंदर हमें तेल डाल लेना है, आप घी भी ले सकते हैं, मैं अक्सर तेल में ही फ्राई करता हूँ। तो इसे थोड़ी हल्की आंच के अंदर आप इसे छोड़ रहे हैं। आप इसे बार बार पलटते रहिए, वरना एक तरफ से ये काला हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मीठा मिला हुआ है, तो इसे आपको बार बार चलाते रहना होगा। हल्का ब्राउन कलर होने तक आप इसे सेक लीजिए। ये हमारे शक्करपारे तैयार हो गए। देखिए कलर भी कितना बेहतरीन आया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट में ये भी बताना कि कैसी लगी हमारी शक्करपारे की रेसिपी, और हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसे ही देसी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।